हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, जय श्री कृष्णा, एकता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थानी खाना, जिसमें लेके आया हूँ लहसुन की चटनी और साथ में बाजरे की रोटी छाछ। ये सब बनाने वाले अपन आज। और जो लहसुन की चटनी होती है फ्रेंड्स, बहुत ईजी बन जाती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है फ्रेंड्स। बाजरे के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए, जो लहसुन की चटनी है वो सबसे पहले उसके सामान बता देती हूँ, फिर अपन बनाना स्टार्ट करेंगे। लहसुन की चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लहसुन छील लिया है आधा कटोरी। हमारे मेंबर के हिसाब से मैंने चटनी लहसुन छिल लिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मोटी मोटी कलियाँ जो है मैंने छिल के पहले से रख लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 चम्मच मिर्ची, जिसको मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही गला के पानी में रख दिया। सिर्फ पानी के अंदर ही गलाया और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मिर्ची जो अच्छे से सेट हो जाती है और बिल्कुल ऐसे स्वाद जो है अच्छा सा हो जाता है इसका गलाने से। तो मैंने यहाँ 10-15 मिनट पहले गला के रख दिया है। और 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है और 2 छोटे चम्मच दही। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, चटनी के अंदर स्वाद भी आ जाएगा और जो लहसुन के अंदर वो रहती है ना नमी, जो क्या बोलते हैं उसको, गर्म रहता है लहसुन, तो उससे क्या है दही से दूर हो जाएगा और स्वाद भी अच्छा सा चटपटी सी चटनी अपनी बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपने पास अगर दही नहीं हो तो इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैंने दही लिया है, तो चलिए अपन अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी का जार ले लिया और सबसे पहले इसके अंदर जो लहसुन अपन ने छिल के तैयार किया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया जार के अंदर और अब मैंने यहाँ पे जो धनिया लिया है ये डाल दिया। धनिया से स्वाद अच्छा आ जाएगा फ्रेंड्स चटनी के अंदर, इसलिए आप थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ज़रूर डालना। और नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि चटनी बिल्कुल बनने के बाद थोड़ी सी हो जाएगी तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा नमक चटनी के अंदर। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है, अब इसके साथ में ये जो अपन ने पहले से मिर्ची पानी के अंदर डाल के गला के रखी थी वो वाला डाल देंगे। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है और अब क्या करना, जो ये मिर्ची की कटोरी, इसमें थोड़ा सा पानी और लेके आधी कटोरी के लमसम लेके इसको अच्छे से इसको हिला के इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालने देना है ताकि अच्छे से पीसी सके, ये इसका पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो। यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा हिला दिया है, अब इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, जब पीसेंगे आप तो इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा इसको दरदरा रखना है, उसी से ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी अपनी चटनी। तो इसको पीस लेते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को सभी को अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं मैंने दरदरा रखा है इस तरह का। तो इस तरह का आपको पेस्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तब चूल्हा जला लेते हैं फ्रेंड्स। चूल्हे पे पहले से कढ़ाई चढ़ा दी है फ्रेंड्स और अब इसके तो 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे इसके अंदर। और आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं या तेल में बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे तेल से बना रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे इसके अंदर जीरा। जीरा अच्छे से तड़कना चाहिए, ये देख सकते हैं आप, तेल अच्छे से गर्म हो गया तो जीरा भी अच्छे से जो है इसके अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे फ्रेंड्स जो अपन ने पेस्ट बना के तैयार किया था, वो पेस्ट डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला के मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। चलाते हुए इसको अच्छे से पकाएंगे और जब तक तेल वो मतलब मसाला जो है, तेल जो है ऊपर नहीं आ जाए, अलग नहीं हो जाए मसालों से, तब तक इसको चलाते हुए पकाना है। तो ये जल्दी बनके तैयार होने वाली चटनी है और स्वादिष्ट तो इतनी लगती है फ्रेंड्स, तो आप बना के देखोगे तब पता चल जाएगा वो। तो आप देख सकते हैं चटनी जो है अपनी पकने पे आ गई है। अब इसके अंदर डालेंगे अपन दही। दही बिल्कुल थोड़ा सा लिया है फ्रेंड्स, तो दही डालते ही जस्ट इसको हिला देना है ताकि दही फटे नहीं, इस तरह से हिला देना है कंटिन्यू। इस तरह से कंटिन्यू हिलाओगे तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा और दही से जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी चटनी। और इसकी जो नमी होती है लहसुन की, बिल्कुल गर्मी जो बिल्कुल हट जाएगी, गर्मी भी नहीं करेगी फिर। तो अपनी चटनी जो है बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से तेल ऊपर आ चुका है बिल्कुल, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब चटनी को नीचे उतार लेते हैं। बन गई है चटनी अपनी, लहसुन की चटनी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया है, ये देखिए फ्रेंड्स।
तो अपन अब जल्दी से बाजरे की रोटी भी बना लेते हैं गर्मा गर्म, फिर लहसुन की चटनी के साथ बाजरे की रोटी खाएंगे। तो चटनी तो बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स गर्मा गर्म, अब गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर केलरी चढ़ा दिए और अब आटा मैंने यहाँ पे छान लिया है और यहाँ पे लिया है 1 मुट्ठी के लमसम गेहूं का आटा। तो इसके अंदर गेहूं का आटा मिलाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि गेहूं का आटा मिलाने से फ्रेंड्स रोटियाँ जो है अपनी टूटती नहीं है, अक्सर टूट जाती है अपन बनाते हैं तब। तो थोड़ा सा इसके अंदर गेहूं का आटा डाल लेते हैं जिससे रोटियाँ टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। और नमक डाल लेते हैं, हमेशा बाजरे की रोटी के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि फीकी फीकी रोटी अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके बनाया करो। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारे आटे को। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है और वापस इसको साइड में करके तो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और आटा जो होता है इसका गोंद लेते हैं। जो इसका लोया तैयार करते हैं ना फ्रेंड्स, जो ये आटा होता है इसके अंदर अच्छा सा मस्क लगना चाहिए, तभी ही रोटी अपनी अच्छी बन के तैयार होती है। अभी किस तरह से लगाना है मैं आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको इस तरह से, ये इस तरह से इसका मस्का लग जाएगा तो आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, तब ही रोटी अपनी अच्छी बन के तैयार होगी। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट तैयार हो चुका है अपना लोया। अब इसका लोया बना लेते हैं अपन। बाजरे की रोटी हमेशा चूल्हे पे ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, गैस पे वो इतना स्वाद नहीं आ पाता जो चूल्हे पे आता है जितना। तो अब रोटी बना लेती हूँ मैं इस तरह से गोल गोल करके। तो इस टाइम जब अपन रोटी को इस हाथों से बेलते रहते तब टूटती है ना फ्रेंड्स, तो वो गेहूं के आटे डालने से नहीं टूटेगी। ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी बनके तैयार हो चुकी है एकदम परफेक्ट। तो इसको डाल देते हैं हम। अब सीख रही है तब तक मैं दूसरी रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। तो अब इसके पलटी लगा लेते हैं अपन। तो पलटी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का चक्कू लिया है, चारों तरफ से इस तरह से थोड़ा सा इसको ऊपर करके और फिर हल्के हाथ से पकड़ के इसको इस तरह से पलटी लगा देना है। पलटी लगाने के बाद में इस तरफ देखिए आप रोटी अपनी जो सिक गई अच्छे से। अब ये सिक रही तब तक मैं दूसरी रोटी को भी बेल लेती हूँ, दूसरी रोटी भी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि वो रोटी जो है बनने वाली है तब तक। अब इस रोटी को सेकेंगे नीचे चूल्हे के पास में बेवनी के अंदर और इसको ऊपर। अंगारे में जैसे सेकते हैं इस अंगारे निकाल के, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी फर्स्ट रोटी बनके तैयार हो चुकी है और सिक भी गई है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से सिक के तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है बाजरे की रोटी। तो इस तरह से आप भी बना के खा सकते हैं इस सर्दी में।
तो फ्रेंड्स बनके तैयार हो चुकी है अपने अच्छे से स्वादिष्ट राजस्थानी थाली। और इस तरह से आप भी लहसुन की चटनी साथ में बाजरे की रोटी छाछ बना के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ज़रूर भी ट्राई करना ये सर्दी, और मिलेंगे इसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा सभी को।